पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ मुंब्रा में तमाम उलमा इकराम FIR दर्ज कराने के लिए मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के मुंब्रा अध्यक्ष मुफ्ती बासित साहब और एडवोकेट कबीर चौधरी ने बताया कि पुलिस ने अभी मेमोरेंडम लिया है और FIR सोमवार को दर्ज करने की बात कही है। आपको बता दें कि एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर के मुसलमान नूपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुंब्रा पुलिस स्टेशन में मुंब्रा के तमाम उलमा इकराम पहुँचे थे, मगर मुंब्रा पुलिस ने सोमवार को FIR दर्ज करने की बात कही है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नूपुर शर्मा पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुंब्रा पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के मुंब्रा अध्यक्ष मुफ्ती बासित साहब और एडवोकेट कबीर चौधरी ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। मुफ्ती बासित साहब, आज आप लोग पुलिस स्टेशन में आए थे, क्या पूरा मामला है, आप लोगों ने किस संदर्भ में लेटर दिया है? ये BJP की जो प्रवक्ता है, जिसने टाइम्स नाउ के ऊपर नूपुर शर्मा ने जो हुज़ूर पाक सल्लम की शान में गुस्ताखी की है मेराज के वाक़े पर, मायशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के वाक़े पर जो गलत टिप्पणी की है, गलत अल्फाज कहे हैं, उसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों का गम गुस्सा है और मुंब्रा शहर हमेशा इस तरह के हसास मामले के अंदर कानूनी कार्रवाई के लिए हमेशा आगे रहा है। इससे पहले कमलेश तिवारी का मामला रहा हो या नरसिंहानंद का मामला हो, यहाँ पर FIR वगैरह दर्ज हुई है। उसी मामले को लेकर के उलमा इकराम की एक टीम ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के बैनर से FIR करने के लिए आए थे, लेकिन कुछ कायदे कानून की बात बता करके निवेदन देने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि FIR जो है वरिष्ठ जो अधिकारी हैं DCB वगैरह और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं उनसे मीटिंग लेने के बाद में मंडे को FIR होगी। सीनियर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि बाकायदे इस पर FIR होगी और जितनी मजबूत कायदे कानून के साथ FIR हो सकती है वो FIR की जाएगी। उसके बाद यहाँ बोरसे मैडम के साथ मीटिंग हुई है, उन्होंने भी साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मंडे में बाज़ाब्ता FIR की जाएगी और कानूनी कार्रवाई मजबूत तरीके से की जाएगी और किसी भी तरीके का कोई मसला नहीं है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन जो है किसी भी गलत फैसले के खिलाफ, किसी भी गलत आवाज़ के खिलाफ यहाँ के लोगों के साथ में, पब्लिक के साथ में खड़े हैं और जो उलमा का यहाँ मैसेज आया है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। ये मैसेज लेकर के हम यहाँ पर आए थे और उस पर हमने निवेदन दिया है। अभी मुफ्ती बासित साहब, देखा जा रहा है कि TV डिबेटों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर कुछ मौलाना पहुँच रहे हैं और ख़ास तौर पर देखा जा रहा है कुछ तंजीमों के साथ ये भी कहा गया है कि मौलाना और मुफ्ती जो है TV डिबेट में जाने से बचे, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो या फिर अन्य कोई भी धार्मिक स्थलों का मामला हो, बड़ी संख्या में मौलाना और मुफ्ती वहाँ पर पहुँच रहे हैं। असल में बात यह है कि जो पहुँच रहे हैं, ये सवाल तो उनसे करना चाहिए कि क्यों पहुँच रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जानकारी और मालूमात का मुद्दा है कि वो खाली टोपी से जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, वो खाली टोपी कुर्ता पैजामा पहन करके जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं और पूरे कौम की कहीं ना कहीं एक इंसल्ट फील। उसका वही जवाब दे रहा हूँ, ये तो सवाल उनसे होना चाहिए कि वो कौन है, मौलाना है कि नहीं है, या हम कौम की तरफ से नुमाइंदा हैं या पर्सनल अपनी तरफ से गए हैं, वो उसका जवाब वही दे सकते हैं। और किसी भी तंजीम की तरफ से कि भी किसी भी क्या कहते हैं जमात की तरफ से या मुसलमानों की तरफ से वो नुमाइंदा नहीं है, वो डिबेट के तरफ से क्या कहते हैं लाए गए हुए उनके सेट किए हुए अफराद होते हैं कि आपको कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, उसी पर वो बहस करते हैं और उस पर बहस होती है। जो जीनवन लोग हैं ना, तो उनको डिबेट में बिठाया जाता है और बैठ जाते हैं तो उनकी बात सुनी नहीं जाती, ऐसे जीनवन लोगों को 1-2% 3% भी डिबेट पर लाने नहीं देते हैं TV चैनल वाले, और न ही क्या कहते हैं TV चैनल पर ये मुद्दे हल होने वाले हैं। ये कानून कायदे के मसाइल हैं, अदालत से, पुलिस स्टेशन से, डिपार्टमेंट से ही हल होंगे। डिबेट और कानून कायदे डिबेट के ज़रिए से माहौल ख़राब करने की खाली कोशिश की जाती है, इसलिए डिबेट का मुद्दा है ही नहीं। ये तमाम मसाइल कानून कायदे के हैं,
कोर्ट के और अदालत के हैं, उसके ज़रिए से हल होने चाहिए। एडवोकेट साहब, आप भी आए थे साथ में और लेटर आपके पास भी है, तो क्या आप लोगों ने मांग की है? ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल के लेटर है, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, इमाम काउंसिल के नाम के लेटर दिया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है। मुझे मुफ्ती सोमवार को कहा गया है कि इस पर FIR दर्ज होती है, अगर बाय चांस नहीं हुई तो आगे स्टेप क्या रहेगा आप लोग? देखिए, पहले तो मैं मुमरा पुलिस स्टेशन में कृपाली बोरसे मैडम का मैं थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने ये पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि इसको स्पेशल प्रोविजन पे सीनियर साहब को वो प्रेस करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन के सामने हमने एक एविडेंस भी दिया है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है जो नेशनल टेलीविज़न पे है। ऐसा नहीं है कि हमने इनकम्प्लीट अप्रोच किया है, विथ एविडेंस उनको जो रिक्वायर्ड फैक्ट्स है एक कॉन्डिजेंस लेने के लिए। उसके अलावा पुलिस के पास स्पेशल पावर है, अथॉरिटी है, कोर्ट भी ले सकती है कॉन्डिजेंस अगर ऐसा कोई मैटर है, लेकिन नहीं लेने के बावजूद ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हर मुसलमान होने के तहत कि हम हमारे रसूल या हमारे जो माएँ हैं उनके खिलाफ कोई अगर बोले गए हमारे दीन के खिलाफ, तो हम आगे बढ़े और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। सिर्फ मुमरा शहर, हमेशा अल्लाह का एहसान रहा कि मुमरा शहर आगे रहा है इसमें, और भी मुस्लिम दीगर इलाकों में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे आना चाहिए और अपने अपने पर्सनल लेवल पर एटलीस्ट तो कानूनी प्रोसीडिंग जो है कानून के तहत में रह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको यूटिलाइज़ करके हमको कंप्लेन दर्ज करनी चाहिए। और संडे है कल सीनियर साहब अवेलेबल नहीं है, हम एक डेलीगेशन लेके मंडे को यहाँ आने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर रिक्वायरमेंट रही तो एक डेलीगेशन लेके हम DCP साहब के पास भी जाएंगे। जैसे आपने कहा, इसके बाद मैंने अभी मुफ्ती साहब से कहा कि अगर इस एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम 156(3) में प्राइवेट केस फाइल करेंगे, अगर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल चाहेगी तो वी आर रेडी टू फाइल द फर्दर प्रोसीडिंग। हम करेंगे, हमने इससे पहले भी क्या कहते हैं कार्रवाई की है, 3-4 लेटर अपने डाल चुके हैं निवेदन, और हमने सीनियर साहब से कहा भी है कि निवेदन का कोई रिप्लाई मिलता नहीं है, इसलिए हम निवेदन पे इतफा नहीं करेंगे, हमको FIR चाहिए। तो सीनियर साहब ने कहा है कि अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है, कुछ कानून कायदे हैं, कुछ प्रावधान हुए हैं, कुछ तब्दीलियां हुई हैं, ठीक है, वो मंडे में बोले दर्ज करने के। लेकिन मुफ्ती साहब, देखा जाता है कि आप लोग तो नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराने आए, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जज्बात में आकर जो है कुछ ऐसे हरकत कर देते हैं, उल्टे सीधे काम कर देते हैं, तो लोगों से शांति बनाए रखने के लिए क्या अपील करेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये है कि 2 दिन से मैसेज चल रहा है और नेशनल इशू है, जो जज्बात में आ रहे हैं उनका मौका देने के लिए एक तरीके से ऊपर से नीचे तक का एक डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार है कि फ़ौरन एक्शन होना चाहिए। कोर्ट को भी इस पर एक्शन ले सकता है कानून कायदे में डायरेक्ट, स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट के जो क्या कहते हैं होम मिनिस्ट्री है उसके ज़रिए से इस पर एक्शन होना चाहिए। जब वहाँ पर नहीं आता है तो एक किसी भी मजहबी मामला और बिलखसूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला इतना हसास है कि पूरे दीन का मदार आपकी ज़ात पर है, मतलब इस्लाम धर्म कुरान सब की बेस आप सल्लम है, अगर आपकी ज़ात के और कहीं से भी कुछ भी हरफ आता है तो गोया कि पूरे दीन पर कुरान पर हर चीज़ के ऊपर क्या कहते हैं हमला हो। तो जज्बात में आना मुसलमानों का इस पर एक फितरी अमल है, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी के जज्बात पे कोई मजहबी ना आए या कोई नौजवान सामने ना आए, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वालों की जिम्मेदारी है कि वो फटाफट एक्शन लें। अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इसलिए ऐसे माहौल पैदा होते हैं। हम आवाम से अपील करते हैं कि भाई ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ के शहरी हैं, अमन कानून हमारी ज़िम्मेदारी है संभालना, लेकिन उससे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि जो डिपार्टमेंट वाले हैं मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हुए हैं उस पर एक्शन लें ताकि माहौल ख़राब ना हो।